हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया एकदम। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे एकदम जबरदस्त हैं। फटाफट से ज्वाइन कर लो यार, मजा आने वाला है। आज आज की क्लास तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मिरर इमेज पढ़ने वाले हैं हम। कुणाल सर ने पढ़ाया है कि नहीं तुम लोगों को? अब तो कुणाल सर ने भी लाइट पढ़ा दिया है, अब तो तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। आज कोई बोला ना कि भैया मिरर इमेज में ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, उसकी पिटाई होगी। ठीक है, चलो सारे बच्चे फटाफट से ज्वाइन करेंगे। आज की क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, और उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। भाई साहब 7:30 के ऊपर हो चुका है, अब पढ़ना शुरू कर दो यार तुम लोग। हैं, बीच में तुम लोगों को ब्रेक भी मिलता है। कुणाल सर 15 मिनट पहले क्लास खत्म कर देते हैं ना, पानी उनी पी लेते हो ना फिर। चलो प्यारे बच्चों, आज हमारा 54th लेक्चर होने वाला है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मिरर इमेज। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, मजा आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हो इसका इसका देख रहे हो, ये आंख बना देते हैं इसका, और ये मुंह ऐसे कर देते हैं। तो भाई साहब ये शीशे के इधर इसका कैसे मुंह कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, क्लियर है? ये पट्टा हाथ ऐसे उठाया हुआ है, देखो इसका भी हाथ ऐसे उठा हुआ है। ये वाला हाथ इसका पीछे है, इसका ये वाला हाथ भी पीछे है। अच्छा, ये वाला पैरवा बड़ा हो गया है, चलो ये पैरवा छोटा कर दे रहे हैं, क्लियर है? तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिरर इमेज, जिसके बारे में आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। कहाँ पर? लाइट चैप्टर में, साइंस में। लेकिन ये रीजनिंग में आपको पढ़ना है, और बहुत ईजी चैप्टर होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो उससे पहले मैं प्यारे प्यारे बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, इधर आ रहे हैं पहली बार, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले रैंकस NTSC का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। क्या करना है? रैंकस NTSE का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मस्ट है प्यारे बच्चों। चलिए भैया, करेंगे, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है, 6:30 बजे आपकी साइंस की कुणाल सर की क्लास चलती है, और 7:30 बजे मेरा दर्शन तुम लोग फिर कर लेते हो। ठीक है, इस क्लास में तुम लोग ज्यादा संख्या में दिखाई देते हो, बाकी सुबह वाली क्लास में तुम लोग सोए रहते हो। रात में तुम लोग ज्यादा खाली रहते हो क्या? चलो, मंडे टू फ्राइडे प्यारे बच्चों आपका क्या होने वाला है? आपका लेक्चर होने वाला है। सैटरडे और संडे आपका क्या होने वाला है? आपका ऑफ होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑफ होने वाला है, क्लियर है? NTSC के बारे में जानना है, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। कोई क्लास छुट्टी है क्या? साइंस की, मैथ्स की, रीजनिंग की, बेसिक मैथ की, उसको कवर करो धीरे धीरे। क्यों बैठे हुए हो? मेहनत नहीं करना है, पिटाई हो जाएगी। चलो, इन सब सारी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये क्या है भैया, ये तो आप रोज बताते हो, अभी तक हमने ज्वाइन नहीं किया है। करेंगे भैया, करेंगे। अच्छा चलो, कर लेना। NTSC का आरंभ टेस्ट सीरीज जो कि आप लोगों के लिए बनाया गया है, ताकि आप सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट भी दो, अपने आप को इवेल्युएट करो। कहाँ से कर पाओगे? 7 पार्ट टेस्ट, 7 फुल टेस्ट। इसका आपको क्या मिलने वाला है? बहुत ही जल्दी 2nd पार्ट टेस्ट का सिलेबस मिलेगा। कब मिलेगा? कभी आपने संडे बोला है, संडे को दोगे आप जो कमिट करते हो वो देते हो। और पेड टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहा है? कहोगे भैया 1 अगस्त से स्टेज 1 तक आपका एग्जाम होने वाला है, 1 अगस्त से पेड टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले इनरोल कर लो सारे के सारे बच्चे। किसी को कोई डाउट है, किसी के पेरेंट्स नहीं मान रहे, बात करा देना, ₹300 ही तो लग रहे हैं सिर्फ। कहाँ से मिलेगा ये? रैंकस लाइव के ऐप से। डन है प्यारे बच्चों? चलो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मिरर इमेज। क्या पढ़ने वाले हैं? मिरर इमेज। प्यारे बच्चों, मिरर इमेज में एक मिरर होता है, ये मिरर। और बेसिकली हम मिरर इमेज में प्लेन मिरर पर सारी चीजें पढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा साइंस का यूज नहीं करने वाले हैं हम। ठीक है, एकदम सिंपल बात कि प्लेन मिरर में हम इमेज लिख दिया। ठीक है, ध्यान से सब सारी चीजें सुनेंगे आप लोग। प्लेन मिरर में हम सब कुछ बात करने वाले हैं कि अगर मैंने इसके आगे एक डब्बा रखा ऐसे, डब्बे में हमने कर दिया ऐसे, तो हमारा फिगर कैसे बनेगा? जो चीज पास में है वो चीज पास में आएगी, जो चीज दूर है वो दूर जाएगी। क्लियर है? डन है प्यारे बच्चों? बस यही आप लोगों को कराना है, यही आप लोगों को सिखाना है। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, मिरर इमेज अगर आपको लेटर्स का पूछा जाए तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। देख लीजिए, आप चाहें तो इस चीज को बना भी सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मिरर लगाता हूँ, अब मेरा ग्राफिकली थोड़ा सा यहाँ तेज होता है, तो मैं ग्राफिक्स होता तो ग्राफिक डिजाइनर होता तो ए ऐसे लिखता, ए ऐसे बन गया, बी ऐसे लिखा तो बी कैसे बनेगा? कहोगे भैया ऐसे बनेगा, सी ऐसे लिखा तो ऐसे बनेगा, डी ऐसे लिखा तो ऐसे बनेगा,
ई ऐसे लिखा, आज सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी पर खुद से इसको बनाएंगे। एफ ऐसे लिखा, ऐसे बना। जी ऐसे लिखा, जी थोड़ा सा कठिन हो जाएगा ना, ऐसे थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाएगा, देख लेना। चलो यहाँ देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ए बी सी डी पढ़ा रहा हूँ क्या तुम लोगों को जी? क्यू मेरा रिमेज पढ़ा रहा हूँ, आर का आर, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। प्यारे बच्चों आपने एक चीज नोटिस किया क्या भैया? आपने क्या ये नोटिस किया, कुछ ऐसे भी लेटर्स हैं जिनका मिरर इमेज सेम बन रहा है। मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, एक तो ए, फिर देखो देखो देखो, खोजो 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 भाई, जी एच एच आई, खोजो 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 खोजो, एल नहीं, एम नहीं, एम हो रहा है, हाँ एम, एन नहीं, ओ पी नहीं, क्यू नहीं, आर नहीं, एस नहीं, टी यू यस, वी यस, डब्ल्यू यस, एक्स यस, अरे भाई साहब वाई यस, जेड नहीं। तो अगर आपसे कोई नंबर पूछ ले कि टोटल कैपिटल लेटर में अगर बात की जाए कितने मिरर इमेज एकदम सेम टू सेम बनते हैं, तो आप कहोगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह। अगर कोई छूट गया हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। 11 लेटर्स ऐसे हैं जिनका मिरर इमेज सेम तरीके का बनता है, ठीक है? मिरर इमेज सेम तरीके का अगर बनता है तो सेम काम आपको यहाँ भी करना होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? एकदम डन है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? बिल्कुल नहीं होना चाहिए यार, डाउट डाउट के लिए तुम लोग पढ़ रहे हो क्या मेरे से? चलो अगर बात करो स्मॉल लेटर की, तो स्मॉल लेटर उतना ज्यादा यूजफुल नहीं होता क्योंकि हमेशा कैपिटल लेटर पे ही क्वेश्चन आता है, बट स्मॉल लेटर भी देख लो। ए बी देखो डी की तरह बन रहा है, सी फिर डी फिर ई फिर एफ फिर जी फिर एच, आई यहाँ पर सेम बन रहा है, आई जे डिफरेंट है, के डिफरेंट है, एल यहाँ सेम है, एम डिफरेंट है, एन डिफरेंट है, ओ यहाँ पे ओ सेम है, पी क्यू की तरह बन रहा है, क्यू पी की तरह बन रहा है, आर डिफरेंट बन रहा है, एच डिफरेंट बन रहा है, टी डिफरेंट बन रहा है, यू डिफरेंट बन रहा है, वी सेम बन रहा है, डब्ल्यू सेम बन रहा है, एक्स सेम बन रहा है, वाई डिफरेंट बन रहा है, जेड डिफरेंट बन रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो तीन दो पाँच एक छः, अगर कोई आर को इस प्रकार से बनाता है, इस प्रकार से बनाता है, तो दोनों साइड आर शायद नहीं, इसमें भी डिफरेंट ही बनेगा, ठीक है? जो भी है, इट्स नॉट अ नंबर की बात ही नहीं है, ये बस केवल आइडिया आपको लग जाए। क्लियर है? मिरर इमेज लेटर्स का समझ में आया? इतना इमेजिनेशन पावर बढ़ा, कुछ दिख रहा है? चलो चलिए प्यारे बच्चों, अब आपके सामने क्वेश्चंस है, क्वेश्चन से ही सारी चीजें सीखेंगे। ये रीजनिंग में बहुत थ्योरी थोड़ी होती है, ये तो तुम लोग नहीं भी पढ़ोगे तब भी तुम लोग कर लोगे एग्जाम में। चलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग पहला सवाल लगाएंगे, सब कुछ विजिबल है प्रॉपर आई होप। व्हाइट लिखा हुआ है, इसका मिरर इमेज आप देखो ऐसे ऐसे। एग्जाम में क्या करना है, अगर ऐसे आएगा तो पहले ई यहाँ बना लेना, फिर टी बनाना, फिर आई बनाना, फिर एच बनाना, फिर डब्ल्यू बनाना। तो ई टी आई एच डब्ल्यू, ई टी आई एच डब्ल्यू तो सब में बना हुआ है, अब आपको मिलाना है। ये टी उल्टा कर दिया, ये गलत बना दिया, ये टी सही है, आई एच डब्ल्यू को उल्टा कर दिया, गलत बना दिया, ई टी आई एच डब्ल्यू, आई होप ये ही सही है। आई होप बच्चों यही सही है, थर्ड ऑप्शन। क्या कहते हो, क्या कहते हो, थर्ड ही सही है? चलो सेकंड बता दो प्यारे बच्चों, फटाफट देखता हूँ कौन कौन जल्दी जल्दी आंसर दे देता है। ब्रिस्क के आगे मिरर लगा दो, मिरर लगा दिए कि ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, फिर एस कुछ इस प्रकार से बनेगा, फिर आई बनेगा, फिर आर बनेगा, फिर बी बनेगा। देख रहे हो मेरा मिरर इमेज कितना परफेक्ट बन रहा है। के ये देखो, एस सीधा नहीं बनता है, एस उल्टा बन गया, ठीक है। आई आई देखो ये आर सीधा बना दिया, गलत है। फिर उसके बाद के सही है, एस सही है, आई सही है, आर सही है, बी सही है। प्यारे बच्चों क्या ये वाला सही है कि ये वाला सही है? दोनों सेम है क्या? नहीं, यहाँ पे के को सीधा कर दिया है, के सीधा नहीं होगा, के उल्टा होगा। तो ऑप्शन नंबर डन है, क्लियर है, मजा आया, चलो बहुत बढ़िया। पेंटेड फटाक से बता दो भाई, कहोगे भैया टाइम तो दो थोड़ा सा। चलो डी को ऐसे बना लो, ई को ऐसे बना लो, फिर टी पीछे से काउंट किया करो, इधर से बनेगा, जो जितना पास वो उतना पास, ठीक है। डी ई टी, उसके बाद एन, एन उल्टा बनता है, ये सीधा बना दिया मैंने, गलत बना दिया। एन आई
ए पी, ठीक है, डी ई टी एन आई ए पी, डी ई टी एन एन यहाँ पे सीधा है, ये गलत, ऐसे ही खोजना होगा आपको। डी सही है, ई सही है, टी सही है, एन सही है, आई सही है, ए सही है और पी सही है, ऑप्शन नंबर टू ही सही है। क्लियर? अगर मैं कहीं पे गलत टिक लगा देता हूं तो मुझे चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझाना मेरी जिम्मेदारी है, आंसर्स निकालना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि एग्जाम में आप बैठने वाले हो, मैं नहीं, ठीक है, मैं तो सिखाने के लिए बैठा हूं। चलो, नेशनल, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, ठीक है प्यारे बच्चों। ए एन ओ आई टी ए एन, क्लियर है। चलो बच्चों खोजो, एल ए एन ओ आई टी को ये उल्टा कर दिया, ये इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्ट नहीं होता है ये, इन्वर्ट, वर्टिकल, रियल एंड इन्वर्टेड, हाँ इन्वर्ट मतलब उल्टा हो जाता है ना, टी ऐसे थोड़ी हो जाता है, मिरर इमेज में ऐसे हो जाता है क्या जी? नहीं ना। चलो तो पहला ऑप्शन गलत है, चलिए भैया दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ये गलत, उसके बाद एल सही है, ए सही है, एन सही है, ओ सही है, आई सही है, टी भी सही है, ए भी सही है और एन भी सही है। तो प्यारे बच्चों क्या यही सही है? क्या यही सही है? बिल्कुल सही है भैया, यहाँ पे एन देख रहे हैं सीधा बना दिया है, और यहाँ पे एल को सीधा बना दिया है, बस दोनों गलत हो गए। मजा आ रहा है? अरे भाई कठिन है क्या? अरे भाई कठिन है क्या? बिल्कुल नहीं ना। सुपरवाइजर, चलो सुपरवाइजर में आर सबसे पहले बनेगा, फिर ओ बनेगा, फिर एस बनेगा, फिर आई बनेगा, फिर वी बनेगा, फिर आर बनेगा, फिर ई बनेगा, फिर पी बनेगा, फिर यू बनेगा, फिर एस बनेगा। आर ओ एस आई वी, आर ओ एस आई वी, आर ई पी यू एस। मुझे तो पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है, तुम लोग बताओ, तुम लोग बताओ भाई, यही सही है। आर देख रहे हैं यहाँ उल्टा बना दिया, वी देख रहे हैं यहाँ उल्टा बना दिया, आर देख रहे हैं उल्टा बना दिया, तो सब गलत है, सब गलत है भाई साहब, सब गलत है। डन है, पहले पेज के पांचों क्वेश्चन अच्छे तरीके से लगे, कहीं कोई डाउट है तो पूछो ना यार, मेरी जान, मैं हूं ना तुम्हारे पास। चलो क्वेश्चन नंबर सिक्स लगा दो भाई साहब, देरी बिल्कुल नहीं। मुझे मत देखो, सवालों को देखो, सवाल तुम्हें आंसर देंगे, मैं थोड़ी दूंगा, मैं तो यहाँ समझाने बैठा हूँ, मैं तो सिखाने बैठा हूँ। चलो, जजमेंट, बहुत जजमेंट देता है ये लौंडा लड़का। टी एन ई एम, देख रहे हो मैं कितना परफेक्ट मिरर इमेज बना रहा हूँ, ये आपकी सोच आपको सिखाती है मिरर इमेज बनाना, कि आप कितना ज्यादा, अब तुम लोग इतना ज्यादा रीजनिंग पढ़ चुके हो कि तुम लोगों की सोच तो डेवलप हो ही गई है। चलो खोजो, टी एन एन यहाँ पे सीधा दिया है, देखो गलत, टी एन ई एम ई जी देखो सीधा दिया हुआ है, गलत, टी एन ई एम ई जी डी यू जे बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट है, ये गलत क्यों है? चलो खोज लेते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। वो स्टॉप हो गया था, पता नहीं क्यों। चलो क्वालिटी, चलो क्वालिटी चेक करो भाई, क्वालिटी चेक करो सारे बच्चे, वाई बिल्कुल सेम तरीके से बनेगा, टी बिल्कुल सेम तरीके से बनेगा, आई बिल्कुल सेम, एल उल्टा, ए सेम, यू सेम, क्यू उल्टा। चलो खोजो क्यू उल्टा, पहले खोजो, यही दोनों है क्यू उल्टा, इन दोनों तो क्यू ही सीधा कर दिया, ये नंबर ही उल्टा कर दिया, वाई टी आई एल उल्टा ए उल्टा एस, यही परफेक्ट है, यहाँ पे यू को उल्टा कर दिया, ये गलत है। क्लियर? मजा आ रहा है? अरे भाई साहब कठिन लग रहा है क्या? भाई सब कठिन लग रहा है तो बता दो। चल टर्मिनेट, टर्मिनेट जल्दी से टर्मिनेट करो भाई, एट, चलो भाई, ई टी ए एन आई एम आर टी। चलो ये तो भाई स्पेलिंग ही गलत है, गलत, ये ई को सीधा कर दिया, ई सही है, टी सही है, ए सही है, एन सही है, आई सही है, एम सही है, आर सही है, ई सही है, टी सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम आगे का क्यों खोजेंगे, देखो ई सीधा किया हुआ है, ये पागल कहीं का। चलो फिक्सिंग करो भाई, फिक्सिंग कहाँ होती है? फिक्सिंग मैच में होती है, चलो तुम लोग भी फिक्सिंग करो, जी एन
IXIF, क्लियर है? जी सीधा कर दिया है, हटो, है स्पेलिंग है उल्टा कर दिया है पगला। GNIXIF, एफ सीधा किया हुआ गलत, तो इट मीन्स यही ऑप्शन सही। भाई साहब समझ में आ रहा है, लेटेस्ट का मिरर इमेज क्लियर हो रहा है आसान भाषा में। चलो बढ़िया, इससे आसान क्या सिखाऊं मैं तुम लोगों को यार, मलयालम में बोलूं क्या तुम लोगों को? चलो तब मलयालम का ही बना दो, MALYYALAM। इधर से भी पढ़ोगे ना तो ये मलयालम ही पढ़ा जाएगा, हालांकि बस लेटर्स उल्टे हैं। चलो MAL, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर क्वेश्चन आना भी होगा ना तो ऐसा ही आएगा, मतलब तो दिमाग चकरा जाए। इसको हटा दोगे क्योंकि एम को इन्वर्टेड कर दिया, इसको हटा दोगे क्योंकि एल को इन्वर्टेड कर दिया है। अब इन दोनों में देखो, ये एल को ये पूरा सीधा लिख दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बढ़िया सवाल है भाई साहब, अगर मुझे पेपर में देना होगा तो मैं तो मलयालम दूंगा क्योंकि बच्चे यहाँ फंसेंगे। ठीक है, चल क्लियर है प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है? अब मजा आ रहा है तो अब इस तरह के सवाल कराऊंगा मैं तुम्हें, क्योंकि सवाल इसी तरह के पूछे जाते हैं। सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं? सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं। चल पहला क्वेश्चन डन, मजा आया? लगा दिए क्या तुम लोग? बड़े तेज हो भाई साहब, बड़े हैवी ड्राइवर हो तुम लोग यार, तुम लोग तो बड़े तेज हो रहे हो। चलो देखो, इस साइड सटा हुआ है तो यहाँ पे मिरर के इसी साइड सटा रहेगा, इट मीन्स ये वाला फिगर नहीं होगा, ये वाला फिगर नहीं होगा और ये वाला फिगर होगा। अब ध्यान क्या देना है? अब ध्यान ये देना है कि यहाँ पे एक लाइन ऐसे आएगी, एक लाइन ऐसे जाएगी। अब यहाँ पे ये तीसरी लाइन यहाँ खुली हुई है और यहाँ सटी हुई है, देखना। अब यहाँ पे और यहाँ पे गलती क्या है? यहाँ पे सटा दिया है, जबकि सटाना इस साइड है, क्योंकि ये अब देखो मिरर के ये दूर है तो ये भी मिरर के दूर रहेगा, जो जितनी दूरी पे वो उतनी दूरी पे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, जिसका जिसका डी आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, और जिसका नहीं आ रहा इट मीन्स उसे भी अभी समझ में नहीं आ रहा है, उसे ध्यान से देखना नहीं आ रहा, उसे चश्मों की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। अब ध्यान से सारे बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड मिलेंगे, और बढ़िया से दिमाग खोल के सॉल्व करिए। आज की क्लास मजा आ रही है? कहीं कोई दिक्कत आए तो बताना, फोन कर लेना, क्लास के बीच में थोड़ी चैट कर लेना। चलो प्यारे बच्चों, कहोगे भैया सवाल आसान है, गोला ऊपर वाला गोला पास में आएगा, नीचे वाला गोला इस प्रकार से आएगा और यहाँ रंगा रहेगा, तो भाई साहब कौन सा आएगा? कहोगे सी या तो डी। सी और डी में फंस गया मैटर, सी और डी में क्या डिफरेंस है, मैं भी पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो सी और डी में जो मैटर पकड़ लिया वो जाएगा आगे। जानते हो सी और डी में मैटर क्या होने वाला है? चलो मैं तुम लोगों को सिखाता हूँ, यहीं पे यही तो सवाल असली होता है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो। देखो सी और डी में ये लाइन ऐसे ऐसे है ना, तो ये लाइन ऐसे ऐसे आएगी, मतलब ये लाइन ये ऐसे ऐसे होनी चाहिए, मतलब ये लाइन सी वाली सही होगी। इन दोनों को तो हटाओ जी, तुम लोग क्या फालतू तुम लोग यहाँ रुके हुए। डी में क्या है? लाइन ऐसे है, लेकिन ये भी लाइन सही है, लेकिन ये एकदम सीधा है, देखो ये एकदम सीधा है और ये लाइन तिरछी होनी चाहिए, देख लो इस फिगर में। नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, भाई सब कंफ्यूज हो गया मैं, ध्यान से देखो, जूम करता हूँ, रुको रुको, देखो अब देखो अब देखो, ये लाइन सीधा है ना जी, हाँ ये लाइन सीधा है तो हमें भी सीधा चाहिए, हमें भी सीधा चाहिए, तो सीधा हमारा डी में है, देख लो लाइन सीधी है, ये लाइन तिरछी है, हमें डी चाहिए, क्योंकि हमारी लाइन अगर वहां सीधी है तो हमें भी सीधा चाहिए। डन भैया, थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे लेकिन भैया जिस चीज को सिखाना चाहते थे वो उसमें समझ में आया होगा, क्लियर। चलो अब जूम ही रहेगा, तीसरा क्वेश्चन लगा दो, जूम ही रहेगा ताकि तुम लोगों को क्लियर ना। भाई साहब ये कंफ्यूजिंग फिगर है, देखो दिस इज कॉल्ड कंफ्यूजिंग फिगर, मजा आ रहा है आज, बढ़िया बढ़िया सवाल है। तुम लोग कहोगे हैं कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, हम तो भैया एकदम आराम से बढ़िया से सवाल कर रहे हैं, आप तो हमें झूठी डरा रहे हैं। अच्छे जी डरा रहा हूँ, चलो आंसर बता दो। ध्यान देना, ये एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, सब मिरर के इस तरफ उल्टा मुंह बना के बैठे हुए हैं, तो तुम्हारा भी इधर का मुंह बना के बैठा रहेगा। और कितना होना चाहिए? कहोगे पांच होना चाहिए, 1 2 3 4 5,
यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, ये तो नहीं होगा। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 के बाद एक लाइन, ये भी नहीं होगा। प्यारे बच्चों, अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखना, थोड़ा जूम करूँ, और कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है। ज्यादा सही ये वाला लग रहा है, सी वाला, क्योंकि ये दोनों जितनी चौड़ा, भाई साहब इस तरह का फिगर तो नहीं देना चाहिए यार, हैं, दोनों सही लग रहे हैं हमें। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है कि एक ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये थोड़ी छोटी बन गई है, ठीक है। अब यही लगा सकते हैं दिमाग, बाकी एक्यूरेट तो यही सी वाला ही लग रहा है हमें। क्यों? क्योंकि यार देखो, ये वाली लाइन थोड़ी सी छोटी यहाँ बनाई गई है, जबकि सारी लाइन बराबर है। देख लो लाइन है ना, यहाँ पे देखो सारी लाइन बराबर है, यहाँ पे देखो सारी लाइन बराबर है, यहाँ पे देखो सारी लाइन बराबर नहीं है। क्लियर है? विजिबल है, प्रॉपर, सी करेक्ट है। अच्छा, बढ़िया, समझ में आया भाई? मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो लगाओ ना। क्वेश्चन नंबर 4, अब तो जूम करके लगा रहा हूँ, जूम 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 जूम। चलो लगाओ, फटाक से लगाओ प्यारे बच्चों, दिमाग खोल के। कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं, यही दिक्कत होती है एग्जाम में। यहाँ तो कर लेते हो, लेकिन जब मिक्स्ड प्रॉब्लम आते हैं ना भाई साहब, दिक्कत क्रिएट हो जाती है। ये देखो, चलो आर बना दो ऐसे, ये ट्रायंगल ऐसे है तो ऐसे बनेगा, ये ट्रायंगल ऐसे है, यहाँ आएगा ट्रायंगल, यहाँ एस आएगा, एस हमेशा ऐसे आएगा। क्या जी, साफ साफ बना लो जी। चलो, वाओ, ये है आपका स्क्वायर, ये है आपका गोला, ऐसा फिगर कहाँ है? स्क्वायर, गोला, ट्रायंगल, एस, ये ट्रायंगल उल्टा बना दिया, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। गोला है, स्क्वायर, गोला, ट्रायंगल, एस उल्टा, बिल्कुल परफेक्ट। इसमें क्या गलती है भाई, इसमें ये गोला आ गया, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? चलो तब आगे बढ़ो, फिर किसका वेट कर रहे हो? ये लगाओ, आज के सवाल तुम लोगों को मजा दे देंगे, बढ़िया बढ़िया सवाल है, और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। लगाइए भाई, लगाइए, सवालों को नहीं लगाएंगे तो फिर मजा कैसे आएगा? और होमवर्क का आंसर होमवर्क में कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए सबका, ने पिटाई होगी एक दिन सबके घर पर आके। चलो प्यारे बच्चों, ये है स्क्वायर, अब यार देखना, ये एक छोटा गोला यहाँ आएगा, ठीक है, फिर एक बड़ा गोला यहाँ आएगा, फिर एक सबसे बड़ा गोला यहाँ आएगा, ठीक है, ऐसा ही खोजो फिगर। ये गलत है, ये तो इधर नहीं, रुक जाओ, इसको अभी नहीं काट सकते हैं, इसको नहीं काट सकते हैं, क्यों? लेकिन काट सकते हैं, क्यों काटा है? क्योंकि ये छोटा गोला जो है नीचे बना दिया, लेकिन छोटा गोला ऊपर होना चाहिए, छोटा गोला ऊपर, फिर नीचे बड़ा गोला, फिर सबसे बड़ा गोला यहाँ पे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी जितने बच्चे दे रहे हैं, बिल्कुल सही, गुड महेश। ये गलत, ये गलत, ये क्रॉस। मजा आया भाई साहब? अगर समझ में आई हो यहाँ तक चीजें, और अच्छा लग रहा हो, क्लास पसंद आ रही हो, सारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, सारे बच्चे मार्क की ओर अटेंडेंस। चलो इस फिगर क्वेश्चन को पढ़ो। इफ द मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन एक्स वाई, देन आइडेंटिफाई द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन क्वेश्चन फिगर, आंसर फिगर। अब मिरर ऐसे लगा हुआ है, अब ध्यान देना, मिरर ऐसे लगा हुआ है, फिगर कैसा, क्वेश्चन आंसर कैसा बनेगा, जल्दी से बता दो। जूम कर दो, नहीं दिख रहा है? लो चलो देखो, प्यारे बच्चों, 1 4 5 6 8, 1 4 5 6 8, ये देखो
वन, जो जैसे रहेगा वैसे ये बनेगा। आप ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान से बनाना होगा। सॉरी, ध्यान से एकदम। ये है परफेक्ट। खोजो आंसर। ऑप्शन नंबर वन दिख रहा है क्या? ऑप्शन, ये तो सेवन ला दिया, ये तो एट को इधर कर दिया, एट को इधर कर दिया। ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। दैट वाज द डिफरेंट क्वेश्चन। मिरर अगर आपका प्लेस कर दिया जाए नीचे, वाटर इमेज कल पढ़ाऊंगा तो तुम्हें समझ में आएगा, बट यहाँ पे मिरर है तो मिरर की बात करेंगे। और यहाँ पर जैसे ही मैंने मिरर को ऐसे रखा तो फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगी। समझ में आया? बढ़िया लगा। चलो बहुत बढ़िया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो। अगर तुम्हें चीजें समझ में आ रही है तो फिर क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब लोग एकदम बढ़िया से ताव से करो, मजे के साथ करो, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। यस यस भैया, ये तो सबको दिख रहा होगा, ऐसे आएगा। अब ये पकड़ना, आंसर जल्दी पकड़ने के लिए गोला ऊपर होना चाहिए। तो ये वाला तो गया गोला नीचे, ये वाला तो गया गोला नीचे, ये वाला गया। अरे बाकी चेक ही क्या करना है, गोला ही पकड़ लिया हमने, गोला पकड़ लिया। गोला तो किसी में सही नहीं बना है, गोला इसी में सही बना है, तो इसमें सारे सही बने होंगे, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सेव योर टाइम। ओके लेट्स गो, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वी आर गोइंग टू रॉक इन दिस। चल लगाओ, लगाइए। तुम लोग कितने छोटे छोटे हो गए ना, कितने बड़े बड़े हो गए। अभी 9th 10th में हो ना, अभी कितनी जिंदगी जीनी है तुम लोगों को। 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन, कितना पढ़ना पड़ेगा ना। चल भाई साहब, ऐसा फिगर कहीं दिख रहा है क्या? बस भैया यहीं दिख रहा है, इन्हीं दोनों में। ये तो गलत है, ये तो गलत है। अब इस लाइन को देखो, ये लाइन ऐसे ऐसे कुछ आएगी। तो भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मेरे को नहीं दिख रहा है। अभी देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई साहब? मुझे तो दोनों फिगर सेम दिख रहे हैं यार, थोड़ा बहुत भी डिफरेंस है क्या? है कोई डिफरेंस? मुझे तो नहीं दिख रहा यार, तुम लोग बताओ। अभी तक तो मैं कहता हूं कि ये दोनों सेम दिख रहे हैं मुझे। कौन सा क्लिक करोगे? मुझे तो भाई दोनों सही लग रहा है। अब क्या या ये कह सकते हो कि ये थोड़ा सा तिरछा है, ये थोड़ा है भाई, ये कौन सा बेसिस होता है? या फिर ऐसे फिगर इस पे बेस करेगा क्या? ये ऐसे है थोड़ा और ये पूरा ऐसे है, तो भाई साहब इसके अकॉर्डिंग तो सी होना चाहिए। तुम लोगों को क्या लग रहा है कमेंट करके और चैट बॉक्स में बताओ। भाई साहब इस तरह से छोटी छोटी गलतियां देगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, सी होगा उसका, ठीक है? चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों बढ़िया से लगाओ। अरे वो छोटी छोटी दिक्कतों के लिए मत परेशान हो, उस तरह के क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं कि एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो कि भाई साहब स्केल लेके नाप रहे हैं कि ये इतना एंगल पे है, अच्छा इसमें इतना एंगल पे है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चलो प्यारे बच्चों, यहाँ प्लस का साइन बनाना, ट्रायंगल यहाँ आएगा, ये ट्रायंगल यहाँ आएगा, ये स्टार कहाँ जाएगा? पीछे है तो ये पीछे जाएगा, और ये आगे है तो ये आगे आएगा। कौन सा है? क्योंकि यही तो दिख रहा है भैया, हैं ये भी तो दिख रहा है, इन बीच में क्या अंतर है भाई? लोग तो डरा दे रहे हैं यार। अब मुझे बताओ कि इसमें और इसमें क्या अंतर है? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में कोई अंतर है? अब तो मेरा भी दिमाग चकरा जा रहा है।
ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में क्या डिफरेंस है कोई डिफरेंस? तुम लोग को दिखे तो बताओ, मुझे तो भाई एकदम डिक्टो सेम टू सेम दिख रहा है। इस तरह के फिगर तो नहीं देने चाहिए यार, या कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो बताओ, मुझे तो दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं यार भाई साहब। दादे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके, सस्ता सवाल 5 रुपए वाला। चलो जल्दी से इसका आंसर बता दो, और कंफ्यूजिंग ऑप्शन के लिए भी परेशान मत हो, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग ऑप्शन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले। कहोगे भैया ये दैट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, उसका आंसर हम लोग लगा चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, इसका भी आंसर तुम लोग देखते लगा दिए होगे, मुझे बिल्कुल पता है तुम लोग बिल्कुल देरी नहीं कर रहे होगे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इस सब क्वेश्चन के लिए इंतजार भी नहीं करना है। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा सोचो, आंसर बताओ। चलो ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग ध्यान से खोल के, सादा है तो सादा पास में आएगा, याद रखना, सादा है तो सादा पास में आएगा। देखो ये सादा वाला पास में आएगा, ये यहाँ कलर्ड है ये नहीं आएगा, ये कलर्ड है इधर नहीं आएगा, ये कलर्ड है इधर नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर, डन है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कौनों परेशानी बिल्कुल ना हो चाहिए। चला नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और बढ़िया से लगाइएगा, बढ़िया से समझिएगा, बढ़िया से लगाइएगा, बढ़िया से आंसर दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों? कोई डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंफ्यूजिंग ऑप्शन एग्जाम में नहीं आते हैं एकदम, बिल्कुल चिंता मत करना। चल और एग्जाम में कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन काट दिया जाता है, वो उसका 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 नंबर किसी को नहीं मिलता है, वो बोनस में चला जाता है, ठीक है? चलो पहले तो ऐसा ऑप्शन खोजना है आपको, ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। डन, क्लियर है? बहुत आसान सवाल होते हैं, सिर्फ आपको समझने और करने की देरी है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी इतना इजी ऑप्शन दे दिया है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ये तो तुम्हें पता ही है। अब देखो ट्रायंगल ऐसे है तो ट्रायंगल ऐसे ही होगा, और ये एरो ऐसे होगा, क्योंकि भैया यही तो है भाई, इतने इजी इजी क्वेश्चन है कि तुम लोग तुरंत लगा दे रहे होगे, बिना मतलब 5 5 सेकंड में, 6 6 सेकंड में, 10 10 सेकंड में लगा दे रहे होगे ना, मजा आया, बढ़िया। चलें आगे आगे, ये रहा आपके सामने चटकता पटकता नया सवाल, मिरर इमेज निकालना है प्यारे बच्चों, मिरर इमेज लगाना है, निकालना है, दर्पण छवि निकालनी है आपको, क्या निकालनी है? दर्पण छवि। चलिए बहुत आसान सवाल है, इसका ऑप्शन तुम लोग क्लिक कर चुके होगे, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है? अरे भाई मजा आया, क्वेश्चन खत्म हो गए, आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है? कल बचे हुए 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन कल भी करेंगे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको सब कुछ समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत? हाँ मुझे पता है तुम लोगों को क्या दिक्कत हुई होगी, दिक्कत यह हुई होगी कि भैया अगर उस तरह से ऑप्शन आ गया एग्जाम में तो हम क्या करेंगे। अरे तुम लोग चिंता क्यों करते हो, इस तरह का ऑप्शन आ भी गया तो तुम अपने तरीके से लगा के आना, बोनस मिलेगा तो सबको मिलेगा, तुमको भी मिलेगा, अगर वो कट ना होगा तो तुम्हारे लिए भी कट जाएगा, ठीक, उसमें तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, ठीक है प्यारे बच्चों? चलो तो जिसको भी टेस्ट सीरीज भाई ज्वाइन करना है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले, विश्वास मुझ पे रख के, टेस्ट सीरीज बढ़िया क्वालिटी की होगी, 299 रुपए का टेस्ट सीरीज है, जितना जल्दी आप चाहे उतना जल्दी अपने पेरेंट्स से बात करके ज्वाइन कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं, पेरेंट्स से बात करके, ठीक है? उनको बताइए, अपनी बातें बताइए, अपनी बातें रखिए, तभी। क्लियर है? बढ़िया, मजा आया, समझ में आया, बढ़िया। चलो तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए जो मिरर इमेज का चैप्टर खोज रहे थे एनटीएससी की तैयारी करने के लिए, उनको उन तक पहुंचाइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तभी तो मजा आएगा, ठीक है? चलो तो मिलते हैं कल, अब शुक्रवार आखिरी क्लास, फिर सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, कल में भी बेसिक मैथ की भी क्लास आएगी सुबह में, कितने बजे आएगी? 11 बजे के आसपास।